तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि इफ फिगर्स ऑफ 70 केजी रोलर रोलर इज पुश विद ए फोर्स 200 न्यूटन। ये जो फोर्स लगाया जा रहा है उसकी वैल्यू 200 है, और इसको, इस रोलर को मैं पुश कर रहा हूँ। ये जो लाइन है वो हॉरिजेंटल वाली लाइन है, और ये जो लाइन है वो यहाँ पे वर्टिकल वाली लाइन है, और ये एंगल 30 डिग्री है। तो अगर तुम देखो कि एंगल 30 डिग्री है, तो ये क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना। तो ये जो फोर्स एफ है 200 न्यूटन का, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से। अगर तुम इसको देखोगे, इस फोर्स को अगर आगे बढ़ाओगे, तो इस फोर्स को आगे बढ़ाओगे ऐसे, तो ये एंगल अगर 30 है तो ये भी तो 30 होगा। तो ये जो फोर्स एफ है उसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एफ कॉस 30, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जिसका नाम होगा एफ साइन 30। और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ ऊपर आएगा, तो नॉर्मल ऊपर आ जाएगा, और यहाँ एफ का साइन 30, साथ साथ इधर इसका वेट mg भी आएगा वाई एक्सिस में, तो ये आ जाएगा mg। अब यहाँ पर देखोगे कुछ बताया नहीं गया, तो मैं अगर स्मूथ सरफेस रोलर है तो ये सिंपली स्लाइड करेगा, समझ रहे ना, क्योंकि रोल करने के लिए टॉर्क भी तो चाहिए। तो यहाँ पे फ्रिक्शन अगर होगा तो इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा जो कि टॉर्क प्रोवाइड करेगा, तो ये रोल करेगा, समझ रहे हो। बाकी अगर तुम देखोगे इसका ए पॉइंट का, तो वाई एक्सिस में देखो, तो वाई एक्सिस में नॉर्मल ऊपर गया, नेट समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगर तुम देखोगे तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, नॉर्मल एम जी प्लस एफ साइन 30 के बराबर होगा। भाई ये इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लगेगा, और जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर लगेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। बात आ रहा समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल की वैल्यू अब मैं बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। नॉर्मल मास देखो रोलर का कितना हो गया, 70 kg, जी की वैल्यू 10 रख दो, प्लस फोर्स की वैल्यू 200 है, और साइन 30 1/2, तो 200 और ये 100, इसका मतलब ये हुआ नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 800। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।